शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल आज लुधियाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर बोलते हुए कहा कि इसका वे स्वागत करते हैं, जबकि पंजाब सरकार के 2 सालों को उन्होंने नाकाम करार देते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो मैं अंदर आ रहा सी, प्रेस वाले मैंने पूछ रहे सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार दे आज 2 साल पूरे हुए, ते मैं कहना मैनू कहंदे थोड़ा की इहदे ते विचार है। मैं कहा जिहड़ी कंधां ते लिखिया सी चाहुंदा है पंजाब कैप्टन की सरकार, उत्ते सारिआं नूं लिखता नहीं चाहुंदा है पंजाब कैप्टन की सरकार। जिन्ना बुरा हाल सूबे का कीता, डिवेलपमेंट जे स्पीड नाल असीं शुरू कीती सी सारा कुछ ही रोक दिता। ऐ लगता है कि एक गड्डी जा रही है ड्राइवर के बगैर कितने मर्जी पलट जाती है। मोहे बने मतलब एक बार लुधियाने भी नहीं आया। लुधियाने पंजाब का दिल है, इंडस्ट्रियल हब है। जिहड़ा मुख्यमंत्री इंडस्ट्री नूं व्यापार नूं किसान नूं गरीब नूं मिलता नहीं, वो मुख्यमंत्री कहने लायक नहीं। इन्हें देना की सी सारा कुछ ही बंद कर दिता। तुसीं देख लो पिछले 10 साल बादल साहब मुख्यमंत्री सी, कोई ना कोई चीज नवी बनती जाती सी, कोई ना कोई चीजा आनी सी, पूरा माहौल ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर तुसीं देखो कितना फर्क पिया। थोड़े अपने हल्के च ही देख लो, गिर हल्के मन लगता घट घट कि 300-400 करोड़ वो मतलब पता ही नहीं। मैंने जो आने के शौलिक साहब 100 करोड़, 150 करोड़, 50 करोड़ दसो की चाहिए लग जो लग जे शासन है। कले लुधियाने शहर च मैं तकरीबन 4-5 हजार करोड़ रुपया लुवाता हूं। असी तो नहीं क्या खजाना खाली है, असी तो नहीं करवाते सरकार का कि खजाना खाली नहीं होंगे। खजाना खाली तो हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक बहुत देर से सिखों की डिमांड थी और मोदी साहब ने ऐतिहासिक डिमांड पूरी की है। मैं प्रधानमंत्री का शुक्राना करना चाहता हूँ कि पंजाबियों की तरफ से और सिखों की तरफ से ये एक बहुत पुरानी और एक डिमांड ऑफ सिख भी है। और सबसे बड़ा 550 साल ये आ रहे हैं पूरे गुरु साहब के जन्मदिन के, इसलिए ये जरूरी है। 2 साल तबाही लिया पंजाब, लोग इन्ने दुखी है कि सोचते हैं कि जे 2 साल के बाद आप ही इस्तीफा दे दें कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बहुत पंजाब सुखी हो जाऊ।